हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवरीडे लाइफ। आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने लेकर एक नई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। ये देखिए, ये जो आपके सामने ये फ्रूट और ये खाने का सामान रखा हुआ है, ये एक दूसरे से मिलता जुलता भी है और एक दूसरे से डिफरेंट भी। तो आज की जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज्यादा जटिल, गहन और गंभीर भी है, और ये एक वैज्ञानिक विषय है। पर हमने पूरी कोशिश की है कि हम इस वीडियो में इस इन्फॉर्मेशन का सार या जिस्ट ही आपको प्रस्तुत करें। तो आज की हमारी इन्फॉर्मेशन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड, जीएमओ फ्री या नॉन जीएमओ और ऑर्गेनिक। इन सभी इन्फॉर्मेशन का जो बेस है वो खाने पीने का सामान यानी कि फ्रूट, वेजिटेबल, दलहन, अनाज ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइब्रिड। ये जो आपके सामने ये किनू है, किनू भी एक हाइब्रिड फ्रूट है। इसे संतरे की दो अच्छी किस्मों से क्रॉस पॉलिनेट करके बनाया गया है आज से लगभग 85 साल पहले। इसमें जो संतरे की वैरायटी इस्तेमाल की गई है वो है किंग और विलो लीफ, जिसका बोटैनिकल नेम है सिट्रस डेलिसियोसा और सिट्रस नोबिलिस। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें किनो फ्रूट मिला, और किनो फ्रूट जो अपने अच्छे जूसी फ्लेवर और कम बीज होने की वजह से दुनिया भर में पॉपुलर है, और इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ही होता है। किनो को इंडिया में नहीं क्रॉस पॉलिनेट किया गया था, इसका एक्सपेरिमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में किया गया था। और जो हाइब्रिड है ये सबसे पुराना प्रोसेस है। ऐसा माना जाता है मनुष्य ने जब से खेती बाड़ी शुरू की है वो किसी ना किसी तरह से हाइब्रिड प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन या ग्राफ्टिंग मेन है। पहले तो इसे फार्मर या गार्डनर ही कर लिया करते थे, लेकिन आज ये पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से प्रयोगशाला में ही होता है। हाइब्रिड प्रोसेस सिर्फ इसलिए अपनाया जाता है ताकि एक अच्छा उपज पाई जा सके, जिसमें कलर अच्छा हो, जिसमें जिसकी पैदावार अच्छी हो। और बहुत सारे वैज्ञानिक और बहुत सारे लोग भी मानते हैं कि इसी तरह के प्रोसेस की वजह से, यानी कि हाइब्रिड प्रोसेस की वजह से ही आज दुनिया भर में जो हंगर प्रॉब्लम है, यानी कि पहले एक टाइम था खाद्यान्न बहुत कम होते थे पॉपुलेशन के हिसाब से, वो पूरी हो सकी है। हाइब्रिड जो उपज होती है या फसल या फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं, उसमें अक्सर एक ही किस्म के, यानी कि सिट्रस फैमिली के दो फ्रूट्स या एप्पल के दो फ्रूट्स, उनको क्रॉस पॉलिनेट किया जाता है, जिसकी वजह से एक नई किस्म या एक नई उपज पैदा होती है। और आप देखेंगे आज से कई साल पहले बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आपको सिर्फ सीजन में मिलते थे, परंतु आज सारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लगभग पूरे साल मिलते रहते हैं। इसका मेन एग्जाम्पल है वाटरमेलन। एक वक्त था आज से 10-12 साल पहले वाटरमेलन सिर्फ गर्मियों के सीजन में मिलता था, लेकिन आज आप वाटरमेलन को पूरे साल भर एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से हाइब्रिड प्रोसेस की वजह से हम तरबूज को पूरे साल एंजॉय कर पाते हैं। और तरबूज तो सिर्फ एक एग्जांपल है, आप अनेकों अनेक सब्जियां, फ्रूट पूरे साल भर हाइब्रिड प्रोसेस की वजह से एंजॉय कर पाते हैं। और आज का हमारा दूसरा प्रोडक्ट है जीएमओ फ्री, यानी कि नॉन जीएमओ। और नॉन जीएमओ को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि जीएमओ क्या है। तो जीएमओ का अर्थ होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसमें कई बार एक प्लांट के कुछ जीन्स को दूसरे प्लांट के जीन्स के साथ मिक्स किया जाता है, जिससे एक बेहतरीन किस्म की फसल या उपज मिलती है। और इसमें कई बार एक प्लांट जाति को किसी दूसरे एनिमल जाति की अच्छे जीन से भी मिक्स किया जाता है, जिससे जेनेटिकली मॉडिफाइड उपज पैदा होती है। और जब इस तरह से जेनेटिकली किसी उपज को मॉडिफाई किया जाता है तो उसको बोला जाता है जीएमओ। और यहाँ पे जीएमओ फ्री का मतलब है इस तरह का कोई प्रयोग इसमें नहीं हुआ है, और ये फुल्ली अपने नेचुरल फॉर्म वाला प्रोडक्ट है। और जीएमओ को समझाने के लिए मैं आपको एक काल्पनिक एग्जाम्पल देना पसंद करूंगी। जैसे आम है, यानी कि मैंगो, पूरी तरह से एक ट्रॉपिकल फ्रूट है, यानी कि वो गर्मी में होने वाला एक फल है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि अलास्का में भी हम आम उगाएं, और उसके लिए हमने आम की कुछ जीन्स को किसी
अलास्कन बियर यानी कि वहां के भालू के जीन से मिक्स किया और उससे जो आम पैदा हुआ तो वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड मैंगो कहलाया जाएगा। परंतु इस तरह के प्रोसेस को बहुत सारे वैज्ञानिक अच्छा नहीं मानते हैं और बहुत सारे बुद्धिजीवी भी इसका पूर्णतः विरोध करते हैं। वो मानते हैं कि इस तरह के प्रोडक्ट खाने से इंसान के शरीर में या उसके जेनेटिक पैटर्न में क्या चेंज आएगा वो इस समय बताया नहीं जा सकता, और कई बार 50 साल बाद जब पता चलेगा तो हो सकता है हम उसे चेंज ना कर पाए। इस तरह के प्रयोग से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम पहले भी हमने फेस किए हैं जो आज हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जबकि वो प्रयोग बहुत छोटे और कम स्तर के थे। जबकि यदि हम इंसानों के जीन्स के साथ खेलेंगे, उनके अंदर एक ऐसा प्रोडक्ट उनको खिलाया जाएगा जो जेनेटिकली मॉडिफाई है, तो उसके बारे में क्या होगा ये हम शायद कल्पना नहीं कर सकते हैं आज की डेट में। जैसे इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। सन 1921 में यानी कि 1921 में जनरल मोटर्स ने ये पाया कि अगर पेट्रोल में लेड डाल दिया जाए तो इंजन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और फ्यूल की माइलेज बढ़ जाती है। उन्होंने प्रमोट किया कि लेड वाला पेट्रोल डाला जाना चाहिए, पर आज हम देखेंगे कि सारी दुनिया भर में लेड वाला पेट्रोल बैन हो चुका है। लेकिन जो एनवायरमेंट में जो पॉल्यूशन होना था ये वो हो चुका है और हम उसको आज की डेट में चेंज नहीं कर सकते। तो यही एक कंसर्न है बुद्धिजीवियों का और कुछ वैज्ञानिकों का कि नॉन जीएमओ प्रोडक्ट ही इस्तेमाल किए जाने चाहिए, जीएमओ प्रोडक्ट नहीं। यहां मैं एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगी। इंडिया में बहुत सारे जीएमओ फसलें कल्टीवेट की जाती हैं जिसमें मोस्टली कॉटन प्रोडक्ट्स हैं, तो वो क्योंकि हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो लोगों का इतना ऑब्जेक्शन उसमें नहीं आता है। और हाल ही में लगभग 8-10 साल पहले आपको याद होगा एक बीटी ब्रिंजल आया था, वो भी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल थी। तो आज के समय में बहुत सारे वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी नॉन जीएमओ प्रोडक्ट को और जीएमओ फ्री प्रोडक्ट को ही प्रमोट करते हैं और पसंद करते हैं ताकि हम आज अपने जीवन को सुरक्षित रख सकें और अपना कल भी बेहतर पा सकें। और आज का हमारा तीसरा प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक। ये जो आपके सामने ये प्रोडक्ट हैं ये सारे ही ऑर्गेनिक हैं। और बेसिकली ऑर्गेनिक एक खेती का तरीका होता है जिसमें फल सब्जियां और अनाज को इस तरह से उपजाया जाता है जिससे मिट्टी की उर्वरता कम ना हो सके और खेती करते वक्त मिट्टी को कोई नुकसान भी ना पहुंच सके। इसके लिए इसमें जो कीटनाशक दवाइयां होती हैं वो केमिकल बेस्ड नहीं होती हैं और ना ही मिट्टी पे किसी तरह के केमिकल बेस्ड खादों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इस्तेमाल किए जाने वाला हर प्रोडक्ट नेचुरल होता है जिसे पेड़ पौधों से ही प्राप्त किया जाता है और इसमें किसी तरह से भी किसी तरह के केमिकल को स्प्रे नहीं किया जाता। और ये जैसे इसमें आप ये सर्टिफिकेशन देख रहे हैं USDA, ये एक USA का ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है। अब भारत ने भी अपना ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया है और ऑर्गेनिक सारी फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग के दिशा निर्देश अनुसार ही होती है। और इस तरह के सर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि ये प्रोडक्ट पूरी तरह ऑर्गेनिक है और इसमें किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और आज के वक्त में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बहुत इजीली अवेलेबल हैं। आज से 10-12 साल पहले इनको पाना थोड़ा मुश्किल होता था, पर ये आज हर हेल्थ स्टोर और ऑनलाइन अवेलेबल हैं और इनका प्राइस थोड़ा महंगा होता है। सभी हेल्थ कॉन्शियस लोग और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खाना ही पसंद करते हैं। और आज इस वीडियो का सरप्राइज एलिमेंट है 100% नेचुरल। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये 100% नेचुरल वॉलनट ऑयल है। ये 100% नेचुरल का अर्थ है इसमें कोई भी मिलावट नहीं है और ये ओरिजिनल वॉलनट से निकाला गया, नेचुरली निकाला गया ऑयल है। और इस तरह से सर्टिफिकेशन का मतलब होता है इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई एडिटिव्स नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। इसमें कलर और अरोमा है वो नेचुरल प्रोडक्ट का ही है। इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहूंगी।
आप अक्सर हेल्थ स्टोर में देखेंगे बहुत सारे हर्ब्स में स्पाइसेस में वाइल्ड क्राफ्टेड लिखा हुआ होता है। तो वाइल्ड क्राफ्टेड का मीनिंग होता है उस जड़ी बूटी को या स्पाइस को उसके नेचुरल हैबिटेट से ही निकाला गया है, यानी कि वो कहीं जंगल में उगा हुआ था उसे जस्ट वहां से तोड़ लिया गया है, या फिर उसे जो जिस तरह से उसमें फार्मिंग की गई है उसमें कोई भी केमिकल या कोई एडिशनल चीजें नहीं डाली गई हैं, तो उस तरह के प्रोडक्ट को वाइल्ड क्राफ्टेड या नेचुरल क्राफ्टेड लिखा हुआ होता है। इस तरह का लेबल आप अक्सर स्पाइसेस में या हर्ब्स में देखेंगे। एंड आई होप मेरी आज की इन्फॉर्मेशन ऑन हाइब्रिड GMO फ्री एंड ऑर्गेनिक आपकी एवरीडे लाइफ में यूजफुल रहेगी। आप अपने फीडबैक और अपना सजेशन हमारे साथ जरूर शेयर करें, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर एवरीडे लाइफ।